हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो, हमारी संस्कृति ऐसी हो, हमारा संस्कार ऐसा हो कि लोगों में गलत काम करने की भावना ना आए, और दूसरा जिसके अंदर से राक्षसी प्रवृत्ति पहले से है और वो न सिर्फ न उसके ऊपर संस्कार का असर हो रहा है, न एजुकेशन का असर हो रहा है, कुछ असर नहीं हो रहा है, वो अंदर से राक्षसी प्रवृत्ति क्या है, फिर कानून ऐसा होना चाहिए, ऐसा दंड दे दे कि 100 किलोमीटर की दूर के एरिया में लोग कहें भैया ऐसा काम मत करना, देखो उसने ये काम किया था उसकी क्या हालत हुई, यही तरीका है। तो हमने कानून निर्माण में जिसकी कोई लागत नहीं है उस दिशा में कमी नहीं है। केंद्र और राज्यों का टोटल बजट 70 लाख करोड़ है, कितना जल्दों से बोलिए, 70 लाख करोड़। ऐसी कौन सी योजना है जिसमें 20% कमीशन नहीं बताई, है कोई योजना? 70 लाख करोड़ का 20% का मतलब 14 लाख करोड़, यानी भारत में हर साल जितना सिंगापुर की इकोनॉमी है उतना भारत में घुसखोरी कमीशन खोरी दलाली चला जाता है। 70 लाख करोड़ का 20% होता है 14 लाख करोड़। और जब मैं बोलता हूं कई बार कहते साहब आप 20% कम बता रहे हैं, उन्हें कमेंट डाउन वाला ही बता रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं ये और ज्यादा है, अगर 20% भी है तो 14 लाख करोड़ रुपए हर साल घुसखोरी कमीशन खोरी दलाली जा रहा है ना, और किसका पैसा है? और आश्चर्य की बात यह, जो लोग 2000 रुपए देते हैं और देखते रहते हैं उनके घर में काम हो रही कितना बढ़िया काम कर रही है, खराब काम कर रही है, 15000 रुपए ड्राइवर को देते हैं उसको देखते हैं काम बढ़िया कर रहे हैं उसको निकाल देते हैं, 50 रुपए नाई को देते हैं तो देखते हैं बढ़िया बाल काटे, लेकिन 2-3 लाख रुपए टैक्स देते हैं उस दिन हमारे टैक्स का हो क्या है? अरे इस देश में सरकार नहीं है भैया, वो सेवक है, हमने उसको गलत इंटरप्रिटेशन किया। मास्टर सर्वेंट का रिलेशन अंग्रेजों के टाइम में था, जब ये संविधान लागू हुआ तो ये कहा गया मास्टर सर्वेंट नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा, पब्लिक सर्वेंट, एक पब्लिक होगी दूसरा क्या होगा सर्वेंट, मास्टर सर्वेंट नहीं पब्लिक सर्वेंट, यानी जन सेवक, यानी लोक सेवक, यानी जनता के सेवक। हमारे देश में सड़क बनने की 6 महीने के अंदर टूट जाती है, कई बार तो 1 महीने के अंदर टूट जाती है, सिंगापुर में क्यों नहीं टूटती, जापान में क्यों नहीं टूटती, अमेरिका में क्यों नहीं टूटती, दुबई में क्यों नहीं टूटती? हमारे देश में रोहिंग्या भी आ रहे हैं, बांग्लादेशी भी आ रहे हैं, आपके उत्तराखंड में तो पूरे भरे हुए हल्द्वानी कोटवाला कांड आपके सामने है, और एक हल्द्वानी नहीं भारत में कम से कम 500 हल्द्वानी बन चुके हैं। ये रोहिंग्या बांग्लादेशी सिंगापुर क्यों नहीं जाते, दुबई क्यों नहीं जाते, और बाकी छोड़ दो ये म्यांमार से जो रोहिंग्या भारत में आते नहीं पता बांग्लादेश में क्यों नहीं जाते। एक चीज याद रखिए, अगर आपके घर की बाउंड्री कमजोर है तो आवारा जानवर आपके घर में घुसेंगे। अगर आपके घर में बाउंड्री न भी हो, एक आवारा जानवर घुसे उसको आप 3-4 लाठी कसके ठोक दीजिए, दोबारा कोई जानवर आएगा? वो जानवर जाकर 4-6 और बताएगा इस वाले घर में जानवर पिटाई होगी। हमारे देश में 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं, और 2017 में मैंने पीआईएल फाइल किया था भारत में एनआरसी लागू करने के लिए, वो पीआईएल आज भी चल रही है। 2017 में मैंने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में कहा था 5 करोड़ आ चुके हैं, 2023 अब तो शुरू हो चुका है, अभी तो उसमें कम से कम 5 लाख 10 लाख बढ़ी गए, गए कितने नहीं आए कितने आती आ रहे, बच्चा भी पैदा हो रहा है, जनसंख्या भी उनकी बढ़ रही है, 5 करोड़ तो पहले ही थे, तब तो 5 करोड़ हो गए, थोड़ा ज्यादा ही हो चुके हैं। क्यों हमने हमें समाज में कोई चिंता नहीं? फ्रांस में केवल 50,000 कुर्दिस गए थे, 50,000 कुर्दिस को फ्रांस ने शरण दिया था, और उन्होंने जो फ्रांस के मोरक्को को हराया है उन्हीं कुर्दिसों ने
जिनको फ्रांस ने शरण दिया था, उन्होंने पूरे फ्रांस का आगरा किया। यूरोप में, स्वीडन में, न्यूजीलैंड में उन लोगों ने जब ईरान इराक का झगड़ा हुआ तो उन्होंने कुछ ईरान के लोगों को शरण दिया था। अभी नए साल पे उन्होंने पूरे यूरोप में आगरा दिया कि नया साल हराम है। हम क्या चाहते हैं कि जब यहां होली दिवाली हराम कहना शुरू हो जाए, कि होली दिवाली बंद कराने के लोग आग लगाए तब वहां जाकर खुले? लोअर क्लास तो मुझे पता है रोटी कपड़ा मकान में व्यस्त है, अपर क्लास उसकी अलग लाइफ स्टाइल है जो एलिट क्लास है, लेकिन कम से कम मध्यम वर्ग जो जागरूक भी है, जिसके पास अखबार पढ़ने का टाइम भी है, जिसके पास सोचने की सोचने का भी टाइम है, खासतौर पर अध्यापक, शिक्षक, अधिवक्ता, जो ये ओपिनियन मेकर भी होते हैं, प्रोफेसर, ये लोग भी नीचे हैं, फिर तो भगवान ही बचाएगा। और एक बात मैंने वकालत की शुरुआत जेठमलानी जी के साथ किया था। बेसिकली मैं न तो अच्छा पॉलिटिशियन हूं, न तो अच्छा वकील हूं, मैं इंजीनियर था। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने एमएल रिस्पॉन्स में था, मैं फिर हीरो होना गया, फिर मारुति में गया, फिर मुझे लगा शायद मैं राष्ट्र की सेवा एज इंजीनियर नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे लगा कि रास्ता ये है। और वो इसलिए लगा मुझे कि मुझे काफी रिसर्च के बाद में, चूंकि जैपनीज कंपनी थी मारुति, वहां पे हर समस्या की रूप का एनालिसिस करते हैं, जैसे डॉक्टर्स भी करते हैं, सामने बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं, मंच पे बैठे हुए हैं, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर कोई बीमारी आती है तो सीधे दवा देना नहीं शुरू करते, एक बार सोचते हैं भाई बीमारी जो दिख रही है इसका रूट काज क्या है। सरदर्द है तो सरदर्द केवल यहीं पे दर्द है, उसका रूट काज लीवर में, फिर एग्जामिन करके फिर थोड़ी दवा देते हैं। फिर मैंने रूट काज जापान बड़ा अच्छा सिस्टम था, जापानी कंपनियों में इसलिए आप देखिए मेंटेनेंस फ्री होती है, जापानी गाड़ियां होती है, चाहे होंडा की हो, मारुति हो, टोयोटा हो, जो भी गाड़ियां होती है मेंटेनेंस फ्री होती है, क्योंकि एक बार जो प्रॉब्लम आती है उसकी रूट का एनालिसिस करके उसको परमानेंट क्यों कर देते हैं, दूसरा दोबारा प्रॉब्लम आती नहीं हो। मैंने वहां से सीखा, फिर बाद में मुझे पता चला कि जापान के लोग फैक्ट्री में काम नहीं करते, वो सोशल प्रॉब्लम में भी रूट का एनालिसिस करते हैं, उसको वाई वाई एनालिसिस कहते हैं, 5W एनालिसिस कहते हैं, जो प्रॉब्लम आई उसमें 5 बार वाई लगाएंगे, सड़क टूटी वाई, मेटेरियल खराब था वाई, करप्शन हो गया वाई, कानून खराब है कानून बदल दो। आप लोग एक बार प्रॉब्लम्स के रूट का जांच शुरू करिए, जो आपको प्रॉब्लम दिखाई पड़े, प्रॉब्लम शेयर करने वाले खूब है, आप लोग प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, आप उस प्रॉब्लम की जड़ में जाना शुरू करिए। मैं कह रहा हूं 80% प्रॉब्लम का रूट काज आपको घटिया कानून मिलेगा,